हेलो दोस्तों, बात करेंगे लवली कॉइन के बारे में, बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। और दोस्तों, बीटीसी का अगर प्राइस आप देखोगे यहाँ पर आपको काफी ज्यादा पंप करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या है रीजन और क्या है न्यूज जिसके कारण तो बीटीसी के प्राइस के अंदर अच्छी खासी आपको पंपिंग जो है वो यहाँ पर आपको देने को मिल जाती है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 1.16 ट्रिलियन यहाँ पर तो मार्केट कैप आपको देने को मिल जाती है। और यहाँ पर 6.98 के आसपास तो यहाँ पर जो मार्केट कैप है वो यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है, जो कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पर ये न्यूज बन जाती है, अगर आपने भी अल्ट क्वाइन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर बीटीसी का जो प्राइस आपको यहाँ पर कितना देखने को मिल सकता है वो सब हम यहाँ पर जानेंगे ट्रेडिंग व्यू के जरिए। एंड यहाँ पर हम बात करेंगे अपने लवली क्वाइन के बारे में। तो लवली नु क्वाइन का दोस्तों क्या यहाँ पर आज के टाइम पर आपको दोस्तों जो प्राइस है वो देखने को मिल सकता है, वो सब जानने के लिए हमें दोस्तों सबसे फर्स्ट में तो यहाँ पर लवली के प्राइस को जो है ओपन करना होगा। और लवली अगर आप प्राइस यहाँ पर ओपन करते हो दोस्तों, यहाँ पर आप देखो जिसका रैंक है वो भी यहाँ पर बढ़ चुका है, क्योंकि पिछले वीडियो के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पर जिसका रैंक आपको देखने को मिला था वो 2772 आपको यहाँ पर रैंक देने को मिला था। अभी अगर आप देखोगे तो 2822 के आसपास आपको इसका रैंक जो है वो यहाँ पर आपको देने को मिल जाता है। एंड दोस्तों यहाँ पर अगर आप प्राइस देखते हो 0.60457 के आसपास आपको यहाँ पर इसका प्राइस जो है देखने को मिल जाता है। और उसके बाद अगर आप देखते हो यहाँ पर जो मार्केट कैप है वो 33 मिलियन के आसपास आपको मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। वॉल्यूम अगर मैं बात करूँ तो 55% यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो आपको डिप के अंदर देखने को मिल जाता है, यानी कि वॉल्यूम तो यहाँ पर काफी ज्यादा डिप के अंदर चला गया, यानी कि बहुत ही ज्यादा पैनिक यहाँ पर सेलिंग है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बात करेंगे यहाँ पर अभी के टाइम पर तो क्या हमें अपडेट जो है वो यहाँ पर लवली कॉइन के अंदर देखने को मिल सकता है। अपडेट जानने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं ट्विटर हैंडल पर। ट्विटर हैंडल पर अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको एक पिन हुआ ट्वीट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि न्यू यूरो के अंदर भी अच्छी खासी यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट जो है देखने को मिल जाती है लवली कॉइन की, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा क्लिप यहाँ पर जारी किया है ट्विटर हैंडल पर। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर 10 घंटा पहले आपको एक लिस्टिंग के बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगा वो एक्सएक्स एक्सचेंज पर आपको इसका लिस्टिंग जो है देखने को मिलेगा 11 अगस्त, यानी कि आज आपको 1 PM UTC के टाइम पर आपको इसका लिस्टिंग जो है वो यहाँ पर आपको देने को मिलेगा। और इंडियन टाइम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 6:30 पर शाम को दोस्तों आपको जो लिस्टिंग है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लवली कॉइन का। एंड बात करेंगे तो उसके बाद आपको एक और ट्वीट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर 14 घंटा पहले एक ट्वीट यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर भी टीवी के अंदर जो है एड यहाँ पर करवाया जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पर किया जा रहा है, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर भी अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट जो है लवली कॉइन को मिल पा रहा है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लवली कॉइन की जो टीम है इसने यहाँ पर काफी बार अपने ट्विटर हैंडल पर पूछा है कि आप यहाँ पर लवली इनु कॉइन को किस एक्सचेंज पर देखना चाहते हो। और दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों जो इसका लिस्टिंग आपको देखने को मिल सकता है, जो नेक्स्ट यहाँ पर लिस्टिंग देखने को मिलेगा वो आपको KuCoin या फिर बाइनेंस एक्सचेंज पर भी आपको इसका जो लिस्टिंग है वहां पर आपको देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों यहाँ पर KuCoin एक्सचेंज पर इसका लिस्टिंग होता है या बाइनेंस एक्सचेंज पर इसका लिस्टिंग हो जाता है तो वहां पर दोस्तों आपको जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर 2000% तक यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि दोस्तों यहाँ से 20 बिल्कुल आराम से दोस्तों जो है क्लिक करता हुआ आपको नजर आएगा लवली कॉइन। तो आपको इस बात का भी बहुत ही ध्यान रखना है और 16 अगस्त तक आपको यहाँ पर जो इसको होल्ड ही करके रखना है। बट अगर आप पी के टाइम पर अगर आप देखोगे यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के जरिए क्या हमें लवली कॉइन का जो प्राइस है वो हमें यहाँ पर डिप के अंदर देखने को मिल सकता है, या फिर दोस्तों इसका प्राइस जो यहाँ से हमें बहुत ही ज्यादा पंप दोस्तों इसके अंदर देखने को मिल सकता है। ट्रेडिंग ऊपर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे हुबी ग्लोबल पर लिस्टिंग हुआ था दोस्तों यहाँ पर लवली इनो क्वाइन का, तो यहाँ पर आपको जो प्राइस देखने को मिला था वो 0.6099 के आसपास आपको इसका प्राइस जो यहाँ पर आपको देखने को मिला था। और उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर हुबी ग्लोबल पर लिस्टिंग होने के बाद यहाँ पर जो आपको डिप का प्राइस देखने को मिला था वो 0.6042 का आपको यहाँ पर प्राइस जो है देखने को मिला था। एंड उसके बाद आप सबको पता है कि गेट आईओ पर भी इसका लिस्टिंग हुआ था, और गेट आईओ पर लिस्टिंग होने के बाद यहाँ पर जो आपको इसका प्राइस देखने को मिला था वो 0.6070 के आसपास
आपको इसका प्राइस जो यहाँ पर देखने को मिला था। और उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर बहुत ही पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिली थी, और पैनिक सेलिंग के चलते जो तो यहाँ पर जो आपको इसका प्राइस डिप का देखने को मिला था वो 0.6042 के आसपास आपको इसका प्राइस जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिला था। और उसके बाद अगर आप देखोगे लवली का जो प्राइस है वो आपको अभी तक तो इसी के चैनल के अंदर ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यानी कि यहीं पर पंप और डंप है आपको करता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में देखते आपको क्या यहाँ पर करना चाहिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर 7 की सीरीज के आसपास आपको इसका प्राइस देखने को मिलता है तो वहां पर आपको अपने क्वाइन को कम क्वांटिटी के अंदर है वहां पर आपको सेल करना चाहिए, यानी कि कुछ पार्ट वहां पर आपको सेल करके प्रॉफिट को जो है वहां पर आपको बुक करना चाहिए। उसके बाद अगर आपको यहां पर लवलीन कॉइन का प्राइस जो है डिप के अंदर देखने को मिलता है तो वहां पर आपको जो है बाइंग वहां पर कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से तो यहां पर आपको अगर लॉस हुआ है तो आप अपने लॉस को यहां पर रिकवर कर सकते हो। एंड तो अगर आप अभी भी प्रॉफिट के अंदर हो तो प्रॉफिट यहां पर आप लेकर निकल सकते हो, क्योंकि मार्केट जो है काफी ज्यादा यहां पर पंप करना स्टार्ट कर चुका है। और ऐसे में दोस्तों यहां पर जो पैनिक सेलिंग है वो भी आपको यहां पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहां पर लवली कॉइन का अगर प्राइस होते यहां पर पंप नहीं करेगा तो यहां पर आपको बहुत ही ज्यादा पैनिक जो सेलिंग है वो भी यहां पर आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि जो इसका प्राइस है वो आपको यहां पर 2 की सीरीज के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो यहां पर आपको काफी बड़ा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा यहां पर जब मार्केट काफी ज्यादा डिप के अंदर था उस टाइम पर लवली नुक क्वाइन था जो कि यहां पर अपने जीरो को किल कर चुका था, यानी कि 0.5011 के आसपास आपको लवली का प्राइस जो है वो देखने को मिला था। और यहां पर जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया था वो अपना प्रॉफिट यहां पर बुक करके निकल चुके थे। और उसके बाद अगर आप देखते हैं यहां पर लवली का जो प्राइस है वो यहां पर 9K सीरीज को भी दोस्तों जो है नहीं छू पाया है, यानी कि काफी ज्यादा लिस्टिंग जो इसका यहां पर हो चुका है। लमसम दोस्तों यहां पर 6 एक्सचेंज पे लिस्टिंग जो है कंप्लीट कर चुका है, और आज जब इसका लिस्टिंग होगा वो 1 7 एक्सचेंज पर यहां पर इसका लिस्टिंग जो है होने के लिए जा रहा है, यानी कि 7 एक्सचेंज पर लिस्टिंग जो है वो यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहां पर जो एक्सचेंज बचेगा मात्र 3 ही एक्सचेंज यहां पर आपको देखने को मिलेगा, और वहां पर अगर इसका लिस्टिंग होता है इसका प्राइस यहां पर पंप नहीं होता है तो फिर दोस्तों यहां पर लवली कॉइन पर दोस्तों कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा, और ऐसे में दोस्तों यहां पर आपको काफी बड़ा लॉस का जो सामना भी करना पड़ सकता है। एंड यहां पर बात करेंगे बीटीसी के प्राइस के बारे में कि बीटीसी का जो प्राइस है हमें दोस्तों कितना यहां पर अभी के टाइम पर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे जो BTC का प्राइस है वो दोस्तों आपको इसी चैनल के अंदर दोस्तों जो है देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पंप और डंप, पंप और डंप, पंप और डंप है यहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाता है। बट दोस्तों जैसा कि कल मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखाया था जो BTC का प्राइस है यहाँ पर एक मूवमेंट जो यहाँ पर किया था वो डिप के अंदर ही यहाँ पर आपको करता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि जो न्यूज था वो कहीं ना कहीं दोस्तों BTC के फेवर में नहीं था। और यहाँ पर पहली बार कुछ ऐसा हुआ जो कि यहाँ पर BTC के फेवर के अंदर ये न्यूज गया, और ऐसे में तो यहां पर जो BTC का प्राइस है वो आपको $26,000 के आसपास देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे ही यहां पर इस लाइन को ये टच करेगा तो $26,000 को यहां पर तो ये टच करने वाला है। उसके बाद अगर आपको यहां पर हम इसका प्राइस बताएं तो यहां पर आपको $29,000 के आसपास यहां पर आपको इसका जो प्राइस है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हो मैं बिल्कुल लाइव आपको दिखा रहा हूं, तो यहां पर जैसे इस लाइन को ये टच करेगा यहां पर है तो $26,000 का यहां पर आपको एक दोस्तों जो प्राइस जो देखने को मिलेगा। और ऐसे में दोस्तों जितना भी अल्ट कॉइन है उनके अंदर भी आपको अच्छी खासी जो है रैली देखने को मिलेगी। एंड दोस्तों यहां पर अगर आपने अभी तक भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो अभी देखिए आपके पास अच्छा खासा मौका है। बट तो यहां पर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हो तो पार्ट वाइज ही आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि यहां पर जब तक $29,000 को यहां पर क्रॉस नहीं करेगा तब तक दोस्तों यहां पर कुछ भी बोलना दोस्तों ठीक नहीं रहेगा बिटकॉइन के बारे में। तो यहां पर न्यू तो बहुत ही अच्छी आई है, बट दोस्तों यहां पर BTC के अंदर है देखना ये कि कितना हमें दोस्तों इन्वेस्टमेंट जो है वो यहां पर हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट दोस्तों BTC का, एंड यहां पर लवली कॉइन का आपको अपडेट कैसा लगा है मुझे जरूर से बताएगा वीडियो कॉमेंट करके। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।